एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आजकल टीवी की दुनिया में शो अनुपमा से बेहद पॉपुलर हो रही हैं। इनकी अनुज संग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। भारतीय टेलीविजन का ये जाना माना चेहरा है। रूपाली गांगुली का करियर काफी अच्छा रहा है। इनके खाते में कई मेमोरेबल परफॉर्मेंस दर्ज हो रखी हैं। बच्चे के होने के 7 साल बाद रूपाली ने अनुपमा से स्क्रीन पर वापसी की थी। ऑडियंस ने भी इनका बाहें खोलकर स्वागत किया था। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में रूपाली गांगुली ने अपने करियर और बेबी की डिलीवरी के बाद के एक्सपीरियंस को शेयर किया था। रूपाली गांगुली ने कई ऐसी चीजें बताई थी जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रूपाली गांगुली मशहूर डायरेक्टर अनिल गांगुली की बेटी हैं। मेडिकल ड्रामा सीरीज संजीवनी से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ये सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मनीषा के किरदार में नजर आईं। 7 साल बाद इन्होंने अनुपमा से वापसी की। घर घर में एक बार फिर अपना नाम बनाया। रूपाली गांगुली ने बेस्ट फ्रेंड अश्विन संग शादी रचाई थी। दोनों की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। 12 साल की दोस्ती के बाद शादी के बंधन में बंधे। फरवरी 2013 में दोनों की शादी हुई। साल 2015 में एक्ट्रेस ने बेटी रुद्रांश को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद रूपाली गांगुली ने काफ़ी वजन बढ़ा लिया था। लोगों ने जमकर ट्रोल किया और बॉडी शेम भी। इस दौरान पति अश्विन ने उनका साथ दिया। रूपाली गांगुली को लोगों ने कई भद्दे कमेंट्स भी किए, लेकिन उन्होंने इस पर जीत हासिल कर लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। रूपाली गांगुली ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने सब कुछ किया, बच्चा तंदुरुस्त हो इसलिए मैं सब कुछ खा पी रही थी। इस दौरान मेरा 58 किलो से 86 किलो वजन हो गया था। बेबी को जन्म दिया और जब मैं उसे वॉक के लिए लेकर जाती थी तो पड़ोस की आंटी, जिनसे मेरी बात भी नहीं होती थी, वो कहती थी, अरे तुम मोनिशा हो ना, कितने मोटी हो गई हो, कौन आपको इतना अधिकार देता है कि आप एक नई माँ को जज करो। कोई नहीं जानता कि कोई महिला किस दौर से गुजरी होती है। इसके बाद मैंने धीरे धीरे वजन कम करना शुरू किया और शेप में आई। इस पूरी जर्नी में मेरे पति अश्विन ने मेरा साथ दिया। उन्होंने ही मुझे अनुपमा के लिए मोटिवेट किया था। रूपाली गांगुली ने आगे कहा था कि जब मैं घर पर थी तो एक हाउसवाइफ की तरह रह रही थी। ऐसे में जब मैंने शो ज्वाइन किया तो मुझे अपने आप पर थोड़ा शक था। मुझे लगता था कि क्या मैं मोटी दिखूंगी या मैं स्क्रीन पर अच्छी भी लगूंगी। मैं सोचती थी कि 7 साल के गैप के बाद मैं काम भी कर पाऊंगी। आज ऑडियंस द्वारा मिले प्यार को देखकर लगता है मैंने अपने जीवन में स्क्रीन पर वापसी करने का निर्णय सही लिया था।